आज के लेक्चर का टॉपिक है एब्सॉर्प्शन लॉ। ये एक बुलियन अलजेब्रा का लॉ है। तो एब्सॉर्प्शन लॉ दो है। तो पहला लॉ हमको बताता है ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे वेरिएबल एब्सॉर्ब किया जाता है, मतलब जो वेरिएबल ज़रूरी है वही हम रखते हैं और बाकी का जो भी है वो सब रिमूव हो जाता है। तो एब्सॉर्प्शन लॉ क्या बताता है हमको, द ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल, मतलब ए जो वेरिएबल है वो उसको ऑर किया गया है विद द एंड ऑफ दैट वेरिएबल एंड द अनदर वेरिएबल। ये सेम है, मतलब ये इक्वल है विद द वेरिएबल इटसेल्फ। तो मतलब हमको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो ये लॉजिक एक्सप्रेशन जो कुछ करेगा ये सेम है इक्वल टू दी ए जो ए के पास जो कुछ है, मतलब ए प्लस ए डॉट बी की वैल्यूज सेम आएगी जो ए की वैल्यू है उससे मैच करेगी। तो ए प्लस ए बी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको एक एंड गेट और एक और गेट का यूज़ करना पड़ा। तो अगर ए लिखना है तो हमको उन सब चीज़ों उन सब गेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ट्रूथ टेबल अप्रोच और अल्जेब्रिकली दोनों मेथड से प्रूव करेंगे। तो ट्रूथ टेबल अप्रोच करने के लिए दो वेरिएबल्स हैं तो चार इनपुट कॉम्बिनेशंस हम ले रहे हैं। तो पहले तो ए और बी का एंड करेंगे, तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 1, ये एंड गेट का ट्रूथ टेबल ही है। एनी इफ द एनी इनपुट टू द एंड गेट इज़ 0 देन इट्स आउटपुट इज़ 1। एंड गेट का आउटपुट तभी 1 आता है जब दोनों इनपुट्स 1 होते हैं। तो ए प्लस ए बी करेंगे अभी, तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 आ गया। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो यहाँ पे हम कर सकते ए प्लस ए बी के जो कुछ वैल्यूज़ है और ए की जो वैल्यूज़ है वो सेम है। ये 0 0 1 1 है और ये भी 0 0 1 1 है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए है। तो हमने ये ट्रूथ टेबल अप्रोच से किया। अभी हम अल्जेब्रिकली भी प्रूव कर सकते हैं, वो कैसे देखते हैं। तो ए प्लस ए डॉट बी लिख लिया जो कि है एलएचएस। तो मैंने एलएचएस लिख ली और ये ए जो है वो उसको आरएचएस ले लेंगे। अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो हमको ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम ए को कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से, दोनों टर्म में से। तो ए को कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी। तो हमको 1 प्लस बी जो है वो हम 1 प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, 1 फ्रॉम दी ऑल लॉ। तो हम 1 प्लस बी इक्वल टू 1 लिख सकते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट 1। तो a.1 इक्वल टू क्या होता है, a होता है फ्रॉम आइडेंटिटी लॉ। तो ये आ गया आर एच एस। तो इस तरह से हमने a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू दी ए अल्जेब्रिकली भी प्रूव कर लिया। तो हम ये सेम लॉ कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ए डॉट एनी टर्म इक्वल टू दी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ अभी हम सेकेंड लॉ देखेंगे एब्सॉर्प्शन के रिलेटेड। एब्सॉर्प्शन लॉ का सेकेंड लॉ डिस्कस करेंगे। तो लॉ टू हमको क्या बताता है, द वेरिएबल इफ एंडेड विद द ऑर ऑफ दैट वेरिएबल एंड द अनदर वेरिएबल इज इक्वल टू दैट वेरिएबल इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी वेरिएबल एब्सॉर्ब कर लिया जा रहा है ए वेरिएबल। तो ये वाला एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करने के लिए हमको दो लॉजिक गेट्स की मदद लगी। और इस मतलब अगर सिर्फ हमने वेरिएबल एब्सॉर्ब कर लिया तो हमको ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए हम ट्रूथ टेबल अप्रोच से प्रूव करेंगे पहले। तो दो वेरिएबल्स है तो चार कॉम्बिनेशंस आ गए इनपुट के। तो ए प्लस बी करेंगे पहले, तो ए डॉट बी ए और बी करेंगे, 0 और 0 0 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1। तो अभी हम ए डॉट ए प्लस बी करेंगे। तो ए डॉट ए प्लस बी के वैल्यूज़ और ए की वैल्यूज़ अगर सेम आते हैं
तो ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए है, ये प्रूव हो जाएगा। तो ए डॉट ए प्लस बी करेंगे तो ज़ीरो एंड ए प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो आता है ज़ीरो, ज़ीरो एंड वन आता है ज़ीरो, वन एंड वन वन, और वन एंड वन वन। तो यहाँ पे ए के जो कुछ वैल्यूज़ है और ए डॉट ए प्लस बी के जो वैल्यूज़ है वो सेम आ रहे हैं, तो ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए है, ये हमने ट्रूथ टेबल अप्रोच से प्रूव कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, अलजेब्रिकली भी इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ए को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको क्या बताता है, ए डॉट बी प्लस सी होता है, तो हम ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं। तो ये कैसे आ गया, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको बताता है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी आ जाएगा। तो ए डॉट ए इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है फ्रॉम द एंड लॉ। ये हमको एंड लॉ बताता है कि ए डॉट ए इक्वल टू ए होता है। तो ए प्लस ए डॉट बी आ जाएगा, तो ए ए प्लस ए डॉट बी क्या करेंगे, हम ए को कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस बी आ जाएगा। तो एनी थिंग ऑड विद द वन इज इक्वल टू वन ही आता है। तो वन प्लस ए क्या होता है, ए होता है, सॉरी वन प्लस ए वन होता है फ्रॉम द ऑर लॉ। एनी थिंग ऑड विद द वन इज द वन, तो ये वन हो जाएगा, तो ए आ गया। तो हमने ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए प्रूव कर लिया। तो हम इसी वाले एक्सप्रेशन को ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डॉट ए प्लस एनी टर्म इज इक्वल टू ए। तो हमने ए डॉट ए प्लस एनी टर्म इक्वल टू ए लिख दिया। तो ये थे दो एब्सॉर्प्शन लॉज।